Assalamualaikum, मैं हूँ हदीका कियानी. आपके सितारे में मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको खुशामदीद. हमारे साथ हैं हमारी टैरो कार्ड रीडर आलिया नज़ीर, हमारे प्यारे से क्यूट से रेड लिप्स वाले नोनी, मेरे समझदार से टोनी, समझदार की मतलब जिनकी हम सारे रिस्पेक्ट भी करते हैं. मैं पता नहीं दाढ़ कटाई है. रिस्पेक्ट की आदत ही नहीं है. नहीं आदत तो है लेकिन मुझे यकीन नहीं है. और उनके बराबर में बैठी हुई है मिसेस तबस्सुम विकी और इनके साथ बैठे हुए मिस्टर विकी. वाओ, आपके हस्बैंड की शक्ल के ऊपर कुछ मुसर्रत नजर नहीं आ. पत्थर का हस्बैंड है, क्या करे. मैडम गल इस तरह कि मैं कैनेडा का रहसी हाँ, तो पान तो तू मरे दरे वाले खान डे हैं. तो उसे मेरा एडा सोना बिजनेस ही. तो बस तुम आपने इनको कैसे घेरा. इन्हें इंज घेरे जिमें कुकड़ी नहीं घेरी थी. आ आ आ आ फेसबुक से मेरी इतना सलाम दुआ हुई है. नहीं, बस समझी मैं डीपी वेखी है जी. अच्छा हाँ जी, ये मोटरसाइकिल पर बैठी है. हाँ ये पिछले बंदे ने हेलमेट पाया. तो आपने फेसबुक पे पहले इनको देखा. जी सर, मैं इन फेसबुक तो वेखे. मैनू अच्छी लगी. हाय अल्लाह, फेसबुक पे इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी आप में खूबसूरत नहीं लग रही. इधर कलेजे च लत मार रहे ने फेम बन रहे. आंटी आपकी पहले शादी हुई थी. तबस्सुम मेरी पहली शादी है, मैं अभी बैचलर थी. आंटी आपने ये मुश्किल लफ्ज कहां से याद किए. आपका खाना ही खराब होना है आंटी. आपने एक कैंडियन को यहाँ पे ला के तबाह कर दिया. बड़ा उधर चले बम्पर का सिर होया है. तबस्सुम आप कैनेडा कब जा रही हैं. कनाडा मैंने जाना है, मेरा बहुत दिल करता है कनाडा जाने को. इधर कनाडा पता है किधर, रोई नाला नहीं. खाना बनाती है. हाँ जी बड़ा अच्छा माशाल्लाह, धनिया गोश्त इंज दा बनाउंदी है पी सुभान अल्लाह. ओ खास हम निकल आया जी. बड़ा कारोबार की बन है. दिन दे टाइम पाई जाना, दो तीन बसा जो फेर आऊं ना, दंदा वास्ते मैं मंजन भी बेच लेना पाई जान. कनाडा में ए कनाडा मुल्तान रोड ते मैंने देखा अक्सर. आज आप टाइगर लग रही हैं. मैंने कहा आप दोनों के लिए एक टाइगर जरूरी है. खा जाओ. ओए बांदर नहीं खांदे. मेरी बात सुने, गेस्ट बुलाने का टाइम आ गया है. पहले जो गेस्ट हैं वो एक्टर हैं, उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के रोल्स किए हुए हैं. प्रोडक्शन हाउस भी है उनका, स्टेज एक्टिंग भी करते रहे हैं. आप सबकी तालियों में काशिफ महमूद. हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं वो भी बहुत प्रिटी पिटीट सी हैं. मॉडलिंग से उन्होंने स्टार्ट किया, एक्टिंग में आई हैं, बहुत से ड्रामास कर रही हैं. आप सब की तालियों में जोया खान. इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि बहुत से कम ऐसे लोग हैं जो कि अपने अंदर एक पूरा ब्रांड है. तो मेरी नज़र में हदीका कियानी जो है पाकिस्तान का एक ब्रांड है. Oh my God. Hello, Zoya. Hello. How are you? I'm good. Oh, black dress and black shoes, nice. I love black color. I love you too, black color. अच्छा नोनी द स्टार्ट बहुत अच्छा होता है, आखिर बहुत पैड़ा. काफी नेगेटिव रोल्स भी करते हैं. जो रोल मिल जाए हम कर लेते हैं. मैंने आपके कुछ नेगेटिव रोल्स देखे हैं और बहुत ही इंटेंस. पर्सनली कौन सा पसंद है. पर्सनली वो जिस पे पैसे ज्यादा मिले. हमारा एक सीरियल अभी रिसेंटली चला था, लोगों ने भी बहुत पसंद किया, रांझा रांझा करती. तो उसके अंदर जो था वो एक नेगेटिव रोल था. और फिर उसके बाद एक अभी रिसेंटली एक प्ले चला भूल के नाम से, तो भूल में एक पॉजिटिव था. अभी एक और सीरियल कर रहा हूँ उसमें फिर नेगेटिव है. फिर एक पाकीज़ा पुप्पो है उसमें भी नेगेटिव है. उसमें पुप्पो तो नहीं बने आप. नहीं नहीं पुप्पो जो है वो जी क्यों है, मैं उनका भाई हूँ. काशिफ भाई मैं तो ना काम करना जे केड़ा. जोया आपको किसी ने कहा है कि आपकी शक्ल मिलती है नरगिस फखरी से. जी काफी लोगों ने कहा, काफी दफा उनकी पिक्चर्स के नीचे मुझे लोग टैग करते हैं, टैग कर देते हैं ना. जी बहुत ज्यादा मुझे तो मैं वैसे आप भी लग रही है. वो भी कहते हैं ना. कॉमर्स में मास्टर्स किया हुआ है. जी एंड देन शोबिज़. जी कैसे. बस बाय चांस. बाय चांस की रक्षा ला गया.
मैं जॉब कर रही थी डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट की जॉब थी. ओके. और मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि लाइक वेस्टर्न शूट है. ज़ोया प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. हमारे कान ही अब बंद है, उसमें रुई फुसी हुई है. बंद, मैं ड्रिल मरवा लूंगा उन विच. हां मरवाओ ना ड्रिल, ये मैं ड्रिल करती हूं. हेलो, साड़ी जेड़ी एंकर है ना इलेक्ट्रिशियन भी हैगी थोड़ी जी. आपके बाल कवर्ड है ना? बाल मेरे ऐसे ही. की तेरे नसीब ने, तू तो इंज भी नहीं कर सकता. मुझे सिर्फ ज़ोया से बातें करने दो. अब आंखों आंखों में बातें करते, ठीक है? आपकी आंखें नजर नहीं आ रही. डड्डू डड्डू डड्डू. नहीं जी, ज़ोया के साथ साथ तुम्हारी आवाज भी बैठ रही है. ज़ोया किस मॉडल से इंस्पायर्ड हो? काफी मॉडल्स हैं. मेरीन सैयद, नादिया हुसैन. मेल एक्टर? नुमान एजाज और फहद मुस्तफा. उनकी लुक मेरे साथ मिलती है. और तेरी लुक न्योले ना मिलती है. मैं जूस पी रहा हूँ आजकल गाजर का, 15 रुपए का ग्लास से खून खून फुल बढ़ना जी. तो सारा खून इधर लग जाता है. फिल्म आजकल बहुत अच्छी बन रही है, खास तौर पे मुझे पंजाब नहीं जाऊंगी बहुत अच्छी लगी थी. तमाम चैनल्स जो हैं उन लोगों ने अपना फिल्म्स प्रोडक्शन हाउसेस शुरू किए हुए हैं और अच्छी फिल्म्स बना रहे हैं. और आपके चैनल को भी चाहिए कि आप लोग भी एक फिल्म बनाएं. नहीं हम बना रहे हैं फिल्म. मैं एज हीरो खुद अपने आप पे पैसे लगा रहा हूँ. ज़ोया आपका मैनेजर है कोई? आपसे डायरेक्ट बात होगी? डायरेक्ट बात. आपने शो के बाद मुझे 10 मिनट जरा टाइम देना. ओके, मैं इन्होंने कास्ट कराऊंगा ना. हाँ, शो तो बाद 10 मिनट टाइम देना, उस तो बाद इन्होंने संदूका च बंद हो जाए. ज़ोया को कास्ट करने लगे हो? जी जी. यार तुम प्रोड्यूसर भी बन गए हो? मरिया नाम लगा मेरा. प्राइस बोर्ड निकला? नहीं नहीं, वो मैं पर्ची नंबर लगाता हूँ ना. 10 रुपए की पर्ची लाई सी. हाँ. 1.5 लाख रुपया आया. वाह, 1.5 लाख में फिल्म बन जाएगी? और 30,000 रुपए में ज़ोया हो जाएगी, बाकी पैसे की फिल्म बन जाएगी. वाह 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 वाह. जितने आपके फिल्म का बजट होगा ना उतने में भी 30,000 का तो उसका मेकअप नहीं होगा. कम से कम 50 लाख रुपए दे दियो ना. क्यों ज़ोया? 50 लाख मैं कि दादे का बीड़ बेच के देना मन. 50 लाख का तो मेरा पूरा पिंड नहीं हैगा मरे. मैं वही कहने लगा सी, बीड़ ते 900 रुपए दा तेरे दादे दा. गरीब लोग विच सोने दे दंद लगे सारे. डाकू आए इहदे दादे नूं कुसोन मार के लै गए. लोग तरसते थे कि मेरा दादा उनको दंदी वड्डे. आप बताइए, आपने एक्टिंग क्यों नहीं की? ऑफर्स तो आपको बहुत हुई होंगी, अब भी होती होंगी. मैं म्यूजिक के अंदर बहुत ज्यादा बिजी रही हूँ ना. नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अब हो सकता है. नेवर से नेवर वाली बात. नोनी साड़ी कास्ट वाधी जा रही हो. मैंने कौन सा हीरोइन आना है भाई? मैं कोई अच्छा सा कैरेक्टर रोल करूंगा. आप हीरोइन आएंगी, ये एज ए चर्स आएगी. डूब के मर जाओ. आपकी बीवी को वो बातें कर रहे हैं. ये डूब भी नहीं सकता. क्यों? इधर सेर ही बांधे हो तो. और नाश्ते वाले फटे ध्यान कर. वाह 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 वाह. अभी तू कनाडा तो आके भी फिका ही है. तेरी दहशत बढ़ सकती. किवें? इत्थे घूमने लई बत्ती लवाला. अच्छा एक काम करते हैं, शफल करवाते हैं कार्ड्स, ताकि मीनवाइल आप अपना जो है वो जायचे निकाल लें और बबलू आ जाएं. लगता नहीं बंदा, लगता बेड उठ पे. लाइन वाली मिठाई आपकी. ओके. और इनको शफल कर. हेलो मैम. तो इसको फेंटो जरा आलिया जी से. आप फेंट दें मेरी जगह. तो आप क्यों नहीं फेंट रही? नहीं नहीं, आपकी एनर्जीज चाहिए ज़ोया. आपको वो नहीं आते चर करने? काश साहब आते हैं करके दिखाएं जरा. आई गेस. अभी कैसे पता लगेगा मेरा वाला कौन सा उनसे वाला? लाइंस वाला. लाइंस वाला. ओके ओके. लेना लगी है उसको. ठीक है मान लिया. आपकी ख्वाहिश क्या है लाइफ? मेरी आजकल तो बड़ी शदीद ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर उसके लिए काम करें. मुझे लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत वीक है, और ख़ास तौर पे बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ फादर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों पे बहुत जुल्म कर रहा हूँ. अगर 24 घंटे में से सारे बच्चे जो हैं पढ़ाई के लिए 6 से 8 घंटे स्कूल को देते हैं, फिर वो एकेडमी जाता है. मेरे दिल की बात. 3 से 4 घंटे वो एकेडमी में गुजारता है, फिर उसके बाद एक कारी साहब उसका इंतजार कर रहे होते हैं. उसके बाद उस बच्चे के पास लाइफ में रह क्या गया? कुछ भी नहीं. तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके स्कूल्स जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो 6 घंटों में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, तो प्लीज़ ऐसे स्कूल बंद कर दीजिए. मैं यहाँ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि उनकी वो जो एक निसाब की बात थी, हाँ, वो जरूरी, वो प्लीज उसके लिए कोशिश कीजिए. और मुझे यकीन है कि वो होगा और जरूर होगा, लेकिन हम सबको आवाज उठानी चाहिए इस जुल्म के खिलाफ. ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा माफिया है, क्योंकि तालीम को बेचता है. तालीम जो है वो बिजनेस में आना चाहिए.
मैंने जब MBA किया था मैंने बहुत रट्टे लगाए थे। MBA का मतलब बताएं? मास्टर बिजनेस। ए का क्या मतलब है? इनको पता होगा ये काहे के लिए बैठे। जे मेनू पता होंदा मैं तेनू ही पसंद करना था। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओए ए फेर आ गया, अगे थोड़ी कीती हूं मेरी। ए चुप कर जा, इकला तलप करूं दई। न्यौले नु करंट पे आ हुंदा ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨੇ ਨਾਕਾਲ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਫੜਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਸੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਮ ਕੱਲ ਘੜੀ ਚ ਸੈੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਪਕੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਕਾਸ਼ਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਔਰ ਜ਼ੋਇਆ ਖਾਨ ਕਾਸ਼ਿਫ ਕੈਸੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਆ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਛ स्ट्रगल्स के बारे में बताएं, कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी बताएं लाइफ। देखिए मुझे लाइफ में इमरान खान बनने का बहुत शौक था। और आपको पता है कि यहाँ पे हर गोरे चिट्टे आदमी की शक्ल आप किसी न किसी गोरे चिट्टे से मिला देते हैं। तो ये आई थिंक 90s की बात है जब मैं माल रोड पे ईद कार्ड के स्टॉल्स लगाया करता था। अच्छा। तो खान साहब की एक तस्वीर थी, बड़े उनके जब बाल लंबे थे तो बहुत कर्ली से उनके बाल होते थे, तो मैंने भी खान साहब की तरह बाल रखे। तो लकीली मेरा हेयर स्टाइल और खान साहब का हेयर स्टाइल बड़ा मिलता था। तो मेरा भी पतला सा मुंह, खान साहब का भी पतला सा मुंह। और आपको अपने शीशे में लगता था जैसे मैं कुछ इमरान खान जैसा हूँ? मुझे लगता नहीं था, लेकिन मैं उनकी तरह बोलने की कोशिश करता था, उनकी तरह मुझे अच्छा लगता था कि उनको कॉपी करना। लेकिन क्रिकेट में इतना टैलेंट था नहीं। फिर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो किसी ने आपको कह दिया कि यार आप खुद कोई ट्राई क्यों नहीं करते हैं ये, तो ये इस चीज़ ने एक एक्टिंग का जो है आपके कह लें कि, वरना मैं बहुत बैक बेंचर था, इंटरेस्ट डेवलप कर स्कूल में बहुत शायद था, मेरे जो क्लास फेलोज हैं वो बहुत हैरान रहते हैं कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। लेकिन फिर BSc किसी ना किसी तरीके से कर लिया। उसके बाद फिर 2 साल जो हैं सोचा कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। फिर एक अंदर से आवाज़ आई कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं। फिर किश्तियाँ जला दी और जाके साथ ही अलहमरा था वहाँ चले गए। इनकरेज किसने किया? इनकरेज बहुत से लोगों ने किया, जिसमें मुझे एक जफ्फी जो है वो हमेशा से याद है। अलहमरा में जाया करते थे और बड़े बड़े एक्टर्स को बहुत करीब से देखा करते थे। तो उनमें से बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स थे, बड़े नाम थे कि जो आपको अप्रिशिएट करते थे और आपको करीब भी बिठाते थे। उनमें अलबेला साहब जो हमारे हनी अलबेला के फादर हैं, उनकी जफ्फी मुझे आज तक जो है वो बड़ी याद है। तो ये बड़े वजदार लोग थे, तो बस इस तरह फिर एक्टिंग स्टार्ट कर ली। एक आपको मास्टर लेवल के ऊपर एक हल्की सी थपकी भी दे देना। हाँ जी बिल्कुल। फिर आबिद अली साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो पहले शख्स थे, वो पहले बड़ा एक्टर था जिसको बहुत करीब से देखा था। तो मैंने यकीन ही नहीं आता था कि यार आबिद अली के करीब बैठे हुए हैं। तो बस एक ऐसा आर्टिस्ट, एक ऐसा एक्टर जिसको आप बहुत ज्यादा, इमरान खान के अलावा कोई एक ऐसा, आप इमरान खान को एक्टर कह रही हैं? वो तो चले स्पोर्ट्स में हो गए ना, तो एक ऐसा एक्टर जिनको आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं जिनका काम है। मुझे जो है सुहेल अहमद साहब का काम हमेशा बहुत अपीलिंग रहा, मुझे महमूद असलम हमेशा बहुत ही अपीलिंग रहे। मेरे लिए हीरो इमेज से ज़्यादा ये है क्योंकि मैं कवि खान बनना चाहता हूँ, मतलब आखिरी सांस तक मैं ये काम करना चाहता हूँ। हमें ऑडियंस की तरफ जरूरी है। जी जी बहुत जरूरी। आज सिंगर बड़े बड़े अच्छे आए मुझे पता चला। जी 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 कौन कौन से सिंगर्स हैं? हाथ खड़े करो। जी लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, बड़ा दफा मारना सी। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, हालांकि तेनू नाश्ता लाना चाहिए सी। तेरे जैसा ओ तेरा भला हो जाए, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। ये स्नेहा है कि गाना है? लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, मेरा दिल ही लगा है फिर दवाई ला के सो गया। ये गाना उन्होंने तबस्सुम जी के लिए डेडिकेट किया। लकड़दा मैं मुंडा नी, मैंने चैन बिच तू लगी नी, मैं खाब तेरे दा सुरूर नी, मैनू बातें करनी है ना 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 ना, दूर कहानी है बहुत। ये दा म्यूजिक भी देना। ओ एहो जे मुंडे दी जिहड़ी लवर हुंदी ना ओह दा बड़ा ध्यान करदी, इधर इहनू गाश ना पै जाए। मुझे अपनों ने गम कर दिया, मैं जलून था किसी से मोहब्बत कर बैठा, उसने की बेवफाई, उसने वार भी करना था, मेरा जिस्म उसके हवाले था। क्लास फोर पे
यहाँ जो बच्चा बैठा हुआ है लास्ट टाइम भी आया था और हमारा क्लिप जो था वो वायरल हो गया था, आपको पता है सोशल मीडिया पे, कि आज फिर आए हुए हैं जी। हाँ ये याद है ना। ओए ये फिर आ गया, अगे थोड़ी की थी मेरी। ये चुप कर जा, इकला तलब करूं दई। ओए क्यों दो मुंह वाली बिल्ली हुंदी यू न्यौले नु करंट पे आ हुंदा ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨ ਫੜਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਮ ਐ ਬਬਲੂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਾਦੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੱਲ ਘੜੀ 'ਚ ਸੈੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ आप देख रहे हैं ये टोनी कितने चुप करके बैठे हुए हैं। लोनी भाई दर्जी होते हैं, इनके पास एक लड़की आती है, भाई जान मेरे साइड वाले बाजू पे ना नेट लगा दे, उनको कह रहा अच्छा बाजी 4G का 3G। ये भी दर्जी नु जाके कहना मेरा सूट बना दे, उन्हें एक सूट दे 9 बनाते। रो वाले को मार खा ली, कहना 2 फोटोकॉपियां कर दे। कल टीका लवान गई, अच्छा डॉक्टर ने टीका ला के ना पीछे नु नहीं खिंची दा, उन्हें खिंचया ओदे विच फड़ गई। ਸੋ ਬੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਐਂਟ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਥੱਲੋਂ ਐਂਦਾ ਦੀ ਚੂਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਢੇ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਮ ਘੜਾਉਣ ਚੱਲ। ਜੱਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ 100 ਬਜਾ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਈ ਨੈਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਹਦੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਕਮਾਨ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੇਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਵੇ ਕਿਵੇਂ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂਡ ਫਰੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ, ਲਾੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਥਾ ਤੁਮ ਹੋ ਤੋ ਕਿਆ ਔਰ ਮਾਂਗੂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਤੁਮ ਹੋ, ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੋ ਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਯੇ ਭਰਮ ਥਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਮ ਹੋ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ 5000 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। तेरा मेरा साथ हो, तारों की बारात हो, हो जे खुश कुकड़ अंडा भी दे सकते हैं। कई जाने अम्मी बिस्तर झाड़ दो। नेक्स्ट हदीका बहन, मैं बिलखसूस काशिफ भाई की नजर दो अशार पेश करना चाहता हूँ, सिर्फ काशिफ भाई आपकी नजर है। रेडियां लाई ने आपको किस तरह बताऊँ मैं कि मैं स्ट्रगल में हूँ, आपको किस तरह बताऊं मैं कि मेरे को किराया नहीं का? आपको किस तरह बताऊं मैं, भूख भी लगी। पूरा करना दे जी। आपको किस तरह बताऊं, ओ यार उठ के ला के आगे दास है। आपको किस तरह बताऊं मैं, दादा वासा दास दे। अच्छा इन्हें जो माइक फड़े मैंने शक्ल तो मजबूर लग रहा है। आपको किस तरह बताऊं मैं, कैमरे बंद करो, एक बार इनसे पूछ ही लेंगे। आपको किस तरह बताऊं मैं, हाँ जी हाँ जी, आपसे किस कदर मोहब्बत है। ओफ। और दूसरा शेर है कि हो गया। तो यार आपके लिए मैं भी एक शेर इसी वक्त पेश करूंगा। हाँ, जी जी बोले। तुम मेरी आंखों का चैन हो, बकवास ना कर। तुम मेरी आंखों का चैन हो, जब तुम्हें गौर से देखा तुम मेरी हमशक्ल बहन हो। माय गॉड। काशी भाई एक और शेर आप। अच्छा काशी भाई ने तुम्हारे को कुछ ले के जा। तुझसे बिछड़ा तो मर ही जाऊंगा। आमीन आमीन। तुझसे बिछड़ा तो मर ही जाऊंगा, अगर तुझे कुछ ना देता तो घर कैसे जाऊंगा। तुझसे बिछड़ा तो मर ही जाऊंगा। अच्छा। मैं सयाना हूं, मंजी थले बढ़ जाऊंगा। तुझसे बिछड़ा तो मर ही जाऊंगा, तू मेरा आखिरी सहारा है। मैं की क्या सर। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। कवि अंकल ने ना शुरू में एक ऐसी बात समझा दी थी कि फैन फैन होता है पावे लाखों राखा खावे।
कि फैन का कोई जेंडर नहीं होता. जेंडरलेस होता है. मेरे बड़े जेंडरलेस फैन है यकीन करे. नहर से खलोते मैं जो लगना मेरे कह रहे थे हम तुम्हारे फैन है. बस फिर उनको प्यार से कर दिया करो. मैं एक बार उन्हें समझाने लगा सा वो तो पुलिस आ गई. उन्होंने फिर सानू दो बार समझाया लटा के. Welcome back to आपके सितारे. हमारे साथ हैं काशिफ महमूद और जोया खान. जरा टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं. आलिया जी जरा बताइए. हदीका आज फिर हमारे शो में लियो हैं. काशिफ महमूद लियो हैं. वाओ. और अगस्त लियो हैं. ओके. इनका जो जायचा है उसकी जो डोमिनेटिंग बात है वो इनका टेम्परमेंट है. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है और बहुत ज़्यादा टेम्परमेंट इनका जो है वो एक आतिश फिशां की तरह है. यही वजह है कि इन्होंने जो इतनी लंबी स्ट्रगल देखी. इनकी स्ट्रगल कोई 10-12 साल की उम्र से शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा ऐसे पैचेस से गुजरे जहाँ से कोई आम इंसान नहीं गुजर सकता था. वो एक ताकत है. हर मुश्किल को मुश्किल नहीं लेना, चैलेंज समझना. ये चीज़ जो थी इसने काशिफ महमूद को आज काशिफ महमूद बना दिया. इनकी पर्सनैलिटी है बहुत, जैसे इनको फौजी जनरल होना चाहिए. एक्चुअली इनको आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए. Wow. इनको पुलिस में जाना चाहिए था. वो इनका असल फील्ड. ये सोल्जर बाय नेचर पुलिस मैन. यानी सही गलत चोर डाकू. काश हमारे पुलिस वाले ऐसे हो. चोर और डाकू. चोर को चोर समझें, डाकू को डाकू समझें. समझते नहीं है. उसके बाद आपका दूसरा फील्ड जो है वो जैसे आपने प्रोडक्शन हाउस बनाया या ये, इससे ज़्यादा मुझे लगता है आप कोई अकेडमी बनाएंगे. आप उस्ताद हैं. आपका दिल चाहता है मेरे सामने मजमा लगा और मैं सिखा रहा हूँ. मेरे पास इतना कुछ है बताने के लिए. मैंने ज़िंदगी को इतने करीब से और इतनी तकलीफ़ से देखा है. मैं सिखाऊँ लोगों को. ये आपका ख्वाब है जो पूरा होगा अनकरीब फ्यूचर में. आपका नंबर 4 है. अच्छा. हाँ जी. 2020 जो साल आ रहा है इसका नंबर भी 4 है. ये वो साल है जिसमें आप अपना कोई एक बड़ा ख्वाब पूरा कर सकते हैं. आपको अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीलियां मजीद लाने की ज़रूरत है. अभी भी आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया बट स्टिल, क्योंकि अगर आपसे कोई मशवरा मांगे तो आप मशवरा नहीं देते, हुक्म करते हैं, ऑर्डर करते हैं. अच्छा. तो ये चीज़ जो नेचर में है ना कि दुनिया मेरे हिसाब से चले, वो चीज़ काफ़ी सख्त हो गई है आपके अंदर. और फैमिली के लिहाज से काशिफ और इनकी जो वाइफ है उनका साइन सेगिटेरियस है. हर लियो की ज़िंदगी में एक सेगिटेरियस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सेगिटेरियस और लियो जब मिलते हैं ना तो ये कॉम्बिनेशन हैप्पीनेस का है. दोनों का ईमान है खुश रहना और खुश रखना. Right. तो जब ये दोनों मिलते हैं तो ये एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बनाते हैं जैसी कि काशिफ की है. इसमें मुझे लगता है कि इनकी जो बेगम है वो काफ़ी एडजस्ट करती हैं. काशिफ का ख्याल है कि ये परफेक्ट है, मतलब अपने बारे में इनका ये सेल्फ इमेज है. जबकि इनकी जो वाइफ है उन्होंने जो कहना होता है उन्होंने मुँह पर कहना होता है. इसके अलावा इनके दरमियान में कोई इशू मुझे दिखाई नहीं दे. काशिफ बताएं. मैं आलिया जी की तकरीबन 70% बातों पे तो एग्री करता हूँ कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने. जहाँ तक बात है उतना एग्रेशन था है, लेकिन वो एग्रेशन ऐसा नहीं है कि मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, क्योंकि बगैर सुने तो आप आगे ज़िंदगी मूव कर ही नहीं सकते. आप एक जगह रुक जाते हैं. और जहाँ तक बेगम का ताल्लुक है, मेरी ज़िंदगी में एक सेजिटेरियस नहीं है. मेरा बड़ा बेटा जो है वो भी सेजिटेरियस है. मेरा उससे छोटा जो है वो भी सेजिटेरियस है. और भी अच्छी बात है. और जितने सेजिटेरियस जमा कर लें उतनी अच्छा. वैसे एक और बात आपको बताऊं, जोया भी सेजिटेरियस है. मैं भी सेजिटेरियस हूं आलिया जी, मेरा नहीं बता रहे. आलिया जी, जोया जो है ये एक बेहद पॉजिटिव इंसान है. ये दूसरों का घटियापन भी या दूसरों का छोटापन भी गेस नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत आला ज़र्फ है. Wow. बहुत खुला इनका जहन है. Excellent. और जिंदगी से भरपूर है. पूरी जिंदगी जीना चाहती. बे इंतहा मुँह फट है. इन्होंने जो कहना है मुँह पर कहना है. और बल्कि कई बार मुँह फाड़ के भी कह देते हैं. और ये इतनी पॉजिटिव है कि कितनी भी मुश्किल हो ना तो इनको लगता है कि अगले कदम पर मंजिल आ जानी है, लाइट आ जानी है और सब कुछ ठीक हो जाए. 2016 से इनकी कामयाबियों का सफर शुरू होता. 2016 से ऑनवर्ड 6 साल आप कामयाबियाँ देखेंगे. इसमें बहुत सारे लोग आप पे फरेफ्ता हुए. बहुत सारे लोग आपसे शादी करना चाहते हैं. आपके पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं किससे शादी करूं किससे ना करूं. कोई गाइडेंस क्या है इनके लिए? गाइडेंस ये है कि ये आप पिंक कलर का पत्थर पहने. आप ला दीजिएगा ना मुझे. ओह माय गॉड, लो जी शुक्र है. नहीं उन बकवास ना करी. गाइडेंस इनके लिए ये है कि कैसा आदमी पसंद करें जो यूनिफॉर्म में हो, यानी कि गार्ड टाइप.
जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, अच्छा आर्मी हो गई, तो काफी सारी ऑप्शंस हैं ना यूनिफॉर्म में, बेनतहा ऑप्शंस हैं। लो जी मैं तो यूनिफॉर्म लैंड चले। अच्छा स्कूल का यूनिफॉर्म चलेगा आपको? सर जेमिनी बहुत अच्छा चलेगा। अब ये अगर जेमिनी ना हो तो जो मुझे इनका प्रपोजल नजर आ रहा है जिसपे ये यस कहने वाली है, उसमें वो लगता है कि वो यूनिफॉर्म में है, उसका जेमिनी है और मीडिया से ताल्लुक है। कुछ कुछ चीजें तो मैच हो रही है। मीडिया से ताल्लुक है, सजिटेरियस है। सजिटेरियस नहीं, जेमिनी का। मुझे प्यार से जेमिनी भी कहते हैं। और नंबर 6 आपको सूट करता है, काला पर्पल ये सूट करता है, इसे लाइफ में ऐड करें प्लीज। पर्पल की बात करें, पर्पल कहाँ से आ गया? ये तो ग्रीन और पिंक है। नहीं मैंने अगर 2-4 मिनट तो पे रखो मैं पर्पल हो जाऊं। पर्पल दिल के पास तुम रहती हो। तुसी डेट दसो बस फटाफट। डेट आती है जी इनके लिए, ये है सन 2021 और 2021 का तीसरा महीना, और उस बंदे से इनकी मुलाकात 2019 के खत्म होने से पहले हो जाएगी। यानी कि हो जाएगी। ये कौन सा महीना जा रहा है? होगी टर्की में और अमेरिका में, लाहौर में। लाहौर में मुझे ये लगता है कि बेदिया के आसपास आपके सितारे प्रोग्राम में होगी। अद्दी तो हो गई, अद्दी बाद चले। और ये जो मुलाकात है ये दुराने सफर नजर आती है पहली मुलाकात। मेरा रक्षा खिलौता है। चीज सबसे ज्यादा पेनफुल लगती है लाइफ में? ऐसा तो मैं सारी चीजें लाइक बर्दाश्त कर लेती हूँ, पेनफुल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे हदीका कार्ड्स ये कहते हैं कि दुआ में बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है। तुसी ओ टॉलरेंस वाला कार्ड इधर उधर काट दो ना फिलहाल। अच्छा काशी भाई आपने माशाल्लाह इतने ड्रामास, इतने सिटकॉम्स, फनी सा वाकया। बहुत से फनी वाकया है। मेरे दादा मरहूम अल्लाह बख्शे वो चालमी में जाया करते थे साइकिल पे। एक जमाना था कि जब फोन आप करते थे तो पहले आप नंबर पूछते थे क्योंकि बहुत रॉन्ग नंबर मिलते थे। बिल्कुल। मेरे दादा ने फोन किया चालमी से गर्मी में, तो उन्होंने पूछा 1-8-787, तो मैंने कहा नहीं जी रॉन्ग नंबर, मैंने फोन बंद कर दिया। फिर उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा 1-8-787, मैं कहने जी रॉन्ग नंबर। उन्होंने मेरी आवाज़ पहचान ली, फ़ोन बंद कर दिया। अब वो आए, मेरे हाथ में गन थी कोई लोहे टाइप की, तो उन्होंने मुझसे पूछा चल इधर आए। मैं हाँ जी, साडा फ़ोन नंबर 10। मैं कहा जी 61787। कहने ने उर्दू ची या पंजाबी ची 10-8-787 का की मतलब है? मैं कहा जी है तो मैंने नहीं पता। लेकिन रॉन्ग नंबर। फिर वो जो गन थी जो मेरे हाथ में थी वो मेरे हाथ में नहीं रही, वो फिर दादा के हाथ में। अच्छा किसी लड़की का दिल तोड़ा? मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा, वैसे टूट गया हो तो और बात है। आलिया जी शायद तस्दीक कर दें इस बात की कि जानबूझ के नहीं तोड़ा, लिखा हुआ है वहाँ पे कहीं। ये बहुत वफादार आदमी है अपनी वाइफ के साथ, और शादी नहीं है, रोमांस भी नहीं है। प्लीज़ ये वाली बात जो है ना इसको एडिट नहीं करना, ये जरूर हमने लगा दिया। तो या किस फैशन डिज़ाइनर से इंस्पायर्ड हो? HSY से। और इन्हीं उनकी कैटवॉक्स वगैरह, रैम्प, FPW किया हुआ है, TDAP किया हुआ है, काफ़ी किए हैं मैं। मॉडल्स जो हैं ये राइट लेफ्ट क्यों चलती हैं? मतलब आपने माशाल्लाह बहुत काम किया, कोई ऐसी फैन जो आपके पीछे पड़ गए हो? कवि अंकल ने ना शुरू में एक ऐसी बात समझा दी थी कि फैन फैन होता है, कि फैन का कोई जेंडर नहीं होता, जेंडर लेस होता है। मेरे बड़े जेंडर लेस फैन है यकीन करें। नहर से खिलौते में जो लगना मेरे कह रहे थे हम तुम्हारे फैन है, बस फिर उनको प्यार से कर दिया करो। मैं एक बार उन्हें समझाने लगा सा, वो तो पुलिस आ गई, उन्होंने फिर सानू दो बार समझाया लटा के। मोस्ट चैलेंजिंग रोल आपका कौन सा था? एक प्ले था मूरत, जिसमें मैंने भी हिजड़े का रोल किया था, आबिद साहब ने भी किया था। तो उसका एक वाकया भी है कि तब पता लगा कि नेल पॉलिश लगानी कितनी मुश्किल है, ये लिपस्टिक लगानी कितनी मुश्किल है। तो एक शूट था कराची में और वहाँ से मुझे स्ट्रेट अवे फ्लाइट लेनी थी, मैंने लाहौर आना था। नेल कलर लगा हुआ तो वो बस मैं वो लिपस्टिक वगैरह तो उठा रही थी लेकिन नेल पॉलिश लगी रही, तो वो भागते भागते बिल्कुल जब जाके सीट पर बैठे एक तूफान की तरह, तो मेरे साथ वाले ने देखा वो मेरी नेल्स की तरफ देखा था जिसमें ये नेल पॉलिश लगी हुई थी। उसने फौरन प्रपोज कर दिया। फिर कामरान रेशी जो हमारे डायरेक्टर थे, हम अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है कराची में, वहाँ पे एक धमाल का हमारा सीक्वेंस था और मैं और आबिद अली साहब फुल हम लोग तैयार होकर गेटअप्स करके जब वहाँ पे गए तो
वहाँ पे जो ओरिजिनल हिजड़े थे या ख्वाजा सरा थे अच्छा, वो आबिद साहब को गुरु समझ रहे थे और मुझसे जेलस थे कि ये यंगस्टर है और वो मुझसे यूं ही करके ना हाथ बड़ा जेलसी वाला आ रहा था। वाओ। तो वहाँ पे डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये चार कैमरे लगा दिए छुपा के और लाइट्स आगे की कैमरे पीछे थे, तो अब आपने को 20-25 मिनट जो है ना नाचते रहना है फुल तो हमने भी बस वो फुल जो जितना था वो आता है। तो लोगों ने लिटरली मैं आपको सही कह रहा हूँ मेरे पास आए पैसे देने के लिए कि मेरे बेटा नहीं हो रहा दुआ करें तो कुछ नहीं कर रहा। अच्छा उसके बाद जब शूटिंग पैकअप हो गई तो एक हफ्ते के बाद आपका कभी दिल किया हो कि यार दिहाड़ी ते लाई लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक डोंट गो एनीवेयर। ओ बल्ले बल्ले टूट गई धड़क करके, हो बल्ले बल्ले के टूट गई धड़क करके। वेलकम बैक टू आपके सितारे। हमारे साथ हैं काशिफ महमूद और जोया खान। खाना पकाने का शौक है जोया? बहुत ज्यादा। क्या पकाती हूँ? बिरयानी बना लेती हूँ, कढ़ाई बना लेती हूँ, भिंडी तुरई। म्यूजिक का शौक है? बहुत ज्यादा। आपको सुनने का? हम आपको सुनते सुनते बड़े हुए। मैं तो जरूर 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 सुनूंगी, ये तो हो नहीं सकता। ये जिहड़ा आंदा उहनूं गाना ही पैंदा, इत्थे ते सियासतदान सिंगर बन के गए ने। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने आवो सामने, कोलों दी रुस के ना लंग माया। लट्ठे दी चादर उत्ते रंग माया, आवो सामने आवो सामने, कोलों दे रुस के ना लंग माया। तेरी मां ने पकाया रोटियां, ओ तेरी मां ने, ओ तेरी मां ने पकाया रोटियां, असा मंगिया ते पै गईया सोटियां। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने आवो सामने, कोलों ते रुस के ना लंग माया। जोया मेरे लिए कुछ गाए? आपके लिए गा रही हूँ। ओके आपको इजाजत नहीं देंगे। वो जुल्म ये है कि हम आपके शो पे आए और आपने कुछ सुनाया नहीं। वाओ। बस फिर कुछ सुना देती हूँ मैं और नोनी, कुछ सुनाएंगे आपको जरूर। गुड। बल्ले 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 बैठोर पंजा पढ़नी, बल्ले बल्ले बैठोर पंजा पढ़नी, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं चलदी तोर पंजा पढ़नी, हो जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं चलदी तोर पंजा पढ़नी। बल्ले बल्ले ओ लाई में
ओ बल्ले बल्ले के टूट गई धड़क करके, हो बल्ले बल्ले के टूट गई धड़क करके, यारी टूट गई धड़क करके, हो बल्ले बल्ले टूट गई धड़क करके, बल्ले 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 पैमाती है मोमबत्ती है, बल्ले बल्ले पैमाती है मोमबत्ती है, सारे पिंड विच चानण तेरा माती है मोमबत्ती है, हो सारे पिंड विच चानण तेरा माती है मोमबत्ती है, हो बल्ले ओ बल्ले 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 ओ बल्ले बल्ले सुफने दे विच, ओ मेरा माया मिलिया ते मैं गल विच बालियां बा दरदा मारा अख ना खोला किते फेर बिछड़ ना जावा, बल्ले हो किते फेर बिछड़ ना जावा, किते फेर बिछड़ ना खोला ओ किते फेर बिछड़ ना जावा, ओए बल्ले बल्ले हाय हाय ओए बल्ले 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 ओ बल्ले बल्ले होए होए बल्ले बल्ले हाय हाय बल्ले बल्ले होए सारा जग तेरे पै गया, बल्ले बल्ले भाई सारा पिंड वैर पै गया, होए बल्ले बल्ले भाई सारा पिंड वैर पै गया, ओ गोरा रंग ना किसे नो रब देवे सारा पिंड वैर पै गया, होए गोरा रंग ना किसे नो रब देवे सारा पिंड वैर पै गया, होए बल्ले बल्ले को खत्म करते हैं। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।